कर्मचारी थे उनकी हत्या की गई थी। उससे पहले दरौंदा में रंगदारी की डिमांड की गई थी उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से, और जिसके संबंध में 243-18 और 344-18 संबंधित थानाओं में केस दर्ज किया गया था। उसके बाद एक SIT का गठन किया गया था जिसमें ASP कांतेश कुमार मिश्रा, ASP संजय कुमार जो कि SDPO महाराजगंज भी हैं, और संबंधित थाना अध्यक्ष के अलावा सर्किल इंस्पेक्टर और टेक्निकल सेल के पदाधिकारी उसमें थे। उनके द्वारा लगातार इसमें छापामारी की गई। छापामारी के बाद 6 अपराधी पकड़े गए हैं। आज कल रात से लेकर आज अर्ली मॉर्निंग तक उन अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 10-15 गोलियाँ बरामद की गई हैं। इसके अलावा 4.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं और 8 मोबाइल बरामद किया गया है। इन लोगों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उस दिन 3 अपराधी जो आए थे मोटरसाइकिल से और इनकी हत्या किए थे, इसमें 2 अपराधी पकड़े जा चुके हैं, अमित कुमार सिंह और विनोद कुमार सिंह जो कि शूटर भी था उस कांड में। उसके अलावा भी 1 अपराधी फरार है, उसको भी हम लोग जल्दी पकड़ लेंगे। इसके अलावा इन लोगों के पास से जो मोबाइल जब्त किए गए हैं उसमें विभिन्न प्रकार के हथियारों के साथ इनकी फोटोग्राफ्स हैं, देसी पिस्टल और राइफल्स के साथ। इसके अलावा जो चंदन सिंह अभी मुजफ्फरपुर जेल में बंद है उसके इशारे पर रंगदारी की डिमांड की गई थी और फिर डराने के लिए हत्या की गई थी। यह स्पष्ट है चंदन सिंह के द्वारा जो संदिग्ध नंबर इस्तेमाल किया जा रहा है जेल में, उसका भी जो हम लोगों को व्हाट्सएप से जो कॉल किए गए हैं, सामान्यतः व्हाट्सएप के थ्रू ही इन लोगों में बातचीत हो रही है, ये इन्होंने स्वीकार किया है, जिससे कि ट्रेस न किया जा सके इन लोगों की बातचीत को। और ये लोग व्हाट्सएप वीडियो कॉल और ऑडियो मैसेजेस के थ्रू बातचीत कर रहे हैं, उसमें भी सिद्ध हो गया है इन लोगों के द्वारा बातचीत की गई है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका एक वीडियो भी बना के एक अपराधी के द्वारा भेजा गया था, जो हम लोग प्राप्त कर लिए हैं उस वीडियो को भी उसी मोबाइल के माध्यम से। तो स्पष्ट है कि चंदन सिंह जो अभी मुजफ्फरपुर जेल में है उसके द्वारा ये घटनाएं कराई गई हैं रंगदारी की डिमांड को लेकर। इसके अलावा इन लोगों की संलिप्तता उस कांड में भी है जिसमें पेंटर की हत्या की गई थी MH नगर में, उसमें भी इन लोगों की संलिप्तता है। और इन लोगों का आपराधिक इतिहास अभी हम लोग खंगाल रहे हैं। कुछ लोग पहले भी आर्म्स एक्ट और लूट जैसे वारदात में जेल जा चुके हैं।